नमस्कार, मैं हूँ सुभस्मिता और आप सबका सुभस्मिता किचन में स्वागत है। अब समर सीजन चल रही है और आम भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो क्यों ना हम आम के एक रेसिपी बनाएं जिसे आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे आम की लौंजी, जो ज्यादा दिन तक रखने से भी वो खराब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आम को काट लेंगे। मैं पहले इसका ऊपर का जो पार्ट होता है उसे निकाल दे रही हूँ। उसके बाद हम इसको आधा कर देंगे, इसे साइड से दो पीसेस में काट लेंगे और इसका जो बीज होता है अंदर में उसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने टोटापुरी आम लिया है, आप इसकी जगह कोई भी वैरायटी का आम ले सकते हैं। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आपको जितना बड़ा या छोटा साइज चाहिए आप उसी हिसाब से काट सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के आम को भी काट लेंगे। यहाँ मैंने सारे आम को काट लिया है और उसे एक बाउल में रख लिया है। अब चलते हैं लौंजी बनाने की प्रोसेस में। तो मैं यहाँ एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। अब हम इसमें 5 फुटन डालेंगे, जिसमें है रेड चिली, सरसों, मेथी, सौंफ और जीरा। इन सबको हम तेल में डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए सटे कर लेंगे। अब हम इसमें आम को डाल देंगे और 5 फुटन के साथ अच्छे से मिला के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आम को आप 5 फुटन डालने से पहले भी फ्राई करके ले सकते हैं। हमें आम को ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे आम के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो बहुत अच्छा कलर देता है। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो नॉर्मल रेड चिली पाउडर होता है उसे भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। आप गुड़ के बदले चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर गुड़ आधा और चीनी आधा भी डाल सकते हैं। गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये इस लौंजी में कलर भी अच्छा आता है गुड़ डालने से, तो मैं गुड़ डाल रही हूँ। आपका जो मर्जी है आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी। अब हम गुड़ को आम के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी हम आम के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ ढक्कन हटा दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आम थोड़ा थोड़ा पक गया है। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद हमारा आम की लौंजी बनकर तैयार है। आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसके ऊपर जरूर दबाएगा ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।